तो बच्चों ये प्रोनाउंसिएशन को अच्छी तरह पढ़े, बार बार 10 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा इसके स्पेलिंग के साथ पढ़े, जी डबल ई टी एच ए जी ओ वी आई एन डी ए गीता गोविंदा, जी डबल ई टी एच ए जी ओ वी आई एन डी ए गीता गोविंदा, इस तरह 20 टाइम्स 25 टाइम्स इसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में लिखने के लिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगी। इसी तरह कीर्तना जो नया के डबल ई आर ए टी एच ए एन ए आर जे यू एन डबल ई वाई कीर्तना जो नया, ये जो बड़ा इस तरह के जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं इन्हें क्या करें आप, इन्हें स्पेलिंग के साथ पढ़े। स्पेलिंग के साथ पढ़ने से आपको प्रोनाउंसिएशन में बहुत आसानी होगी। तो लेट्स कंटिन्यू अवर लेक्चर। तो इसके बाद हुआ ये कि सारे वर्ड्स लिखे जाते थे राजपूत खानदान, राजपूत हुकूमत के दौरान, ठीक है। इसके बाद इसी तरह ड्रामे लिखे गए, ड्रामा और हिस्टोरिकल वर्क भी लिखा गया। हिस्टोरिकल वर्क मतलब हिस्ट्री पर भी इस खानदान में लिखा गया कि उनसे पहले इंडिया में क्या क्या हुआ था, दैट मीन्स बिफोर 12th सेंचुरी, 12वीं सदी से पहले इंडिया में क्या क्या हुआ था, वो हिस्ट्री किसने लिखा, कल्हनास राजा तरंगिनी। राजा तरंगिनी एक हिस्ट्री बुक है जिसका राइटर है कल्हना। उसके बाद पृथ्वीराजा विजया, पृथ्वीराजा विजया मीन्स पृथ्वीराज चौहान की कामयाबियां, पृथ्वीराज चौहान किस तरह कामयाब बादशाह गुजरा, उस पर किताब लिखी गई। और ये किताब किसने लिखी, जयानिका ने लिखी, जयानिका जे ए वाई ए एन आई के जयानिका ने पृथ्वीराज चौहान पर बुक लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराजा विजया। और हिमाचंद्रास कुमार पाला चरित्रा, कुमार पाला चरित्रा, चरित्रा मीन्स उसकी बायोग्राफी, कुमार पाला ये बादशाह का नाम था, इसके बायोग्राफी पे किताब लिखी किसने, हिमाचंद्रा ने लिखी। तो इस तरह ये थोड़े से इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो राजपूत हुकूमत के दौरान हुए। और पृथ्वीराजा रसो बाई चांद बरदाही एंड भोजा प्रबंधा बाई बालल्ला, ठीक है। पृथ्वीराजा रसो किसने लिखा, ये इसका राइटर है चांद बरदाही इसने क्या लिखा, पृथ्वीराजा रसो बुक लिखी। इसके बाद इसी तरह भोजा प्रबंधा किसने लिखा, ये भोजा प्रबंधा किसने लिखा, बालल्ला बी ए एल ए डबल एल ए बालल्ला ने भोजा प्रबंधा लिखा। आर द नोटेड बायोग्राफीज ऑफ राजपूत रूलर्स, ठीक है। ये बायोग्राफीज है, कौन से बायोग्राफीज है, भोजा प्रबंधा, पृथ्वीराजा रसो, कुमार अपना चरित्रा और पृथ्वीराजा विजया, ये सारे क्या है, बादशाहों पर लिखी गई बायोग्राफीज है, ठीक है। पृथ्वीराजा रसो बाई चांद बरदाही, भोजा प्रबंधा बाई बालल्ला, ये बहुत बड़े बड़े मशहूर बायोग्राफीज है जो राजपूत खानदान के बादशाहों पर लिखी गई। गॉट द पॉइंट। गुजराती, राजस्थानी एंड हिंदी लैंग्वेजेस डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो राजपूत खानदान के, राजपूत हुकूमत के दौरान गुजराती जबान पर बहुत काम हुआ, गुजराती लोग बहुत सीखने सिखाना शुरू किए। राजस्थानी इसलिए क्योंकि राजपूतों का वेस्टर्न पे कब्जा था, वेस्ट इंडिया पे उनकी हुकूमत थी, दूसरे पार्ट्स के साथ साथ इंडिया के वेस्ट पार्ट पर भी उनकी हुकूमत थी। और इंडिया के वेस्ट में बड़े बड़े स्टेट्स कौन से हैं, गुजरात, वहां पे गुजराती बोली जाती है। राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा वेस्ट स्टेट है, उसमें राजस्थानी बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती थी, इसलिए हिंदी और गुजराती और राजस्थानी पे बहुत ज्यादा वर्क हुआ इनके पीरियड के दौरान। इसी तरह और राजपूत खानदान, राजपूत हुकूमत के दौरान बहुत बड़े बड़े इदारे भी खोले गए, इंस्टीट्यूशंस भी खोले गए, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ नालंदा एंड काशी एंड विक्रमशिला एंड उज्जैन। विक्रमशिला में, उज्जैन में, काशी में, नालंदा में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोले गए इन राजपूत खानदान के दौरान। इसी तरह राजपूत किंग्स कंस्ट्रक्टेड स्पेशियस फोर्ट्स इन चित्तौड़, मंदू, रानथंबोर, जोधपुर एंड ग्वालियर ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जोधपुर सिटी में, ग्वालियर सिटी में, रानथंबोर सिटी में, मंडू सिटी में और चित्तौड़ सिटी में इन्होंने बहुत बड़े बड़े किले बनाए, ठीक है।
लिखने लिखाने के काम के साथ पढ़ने पढ़ाने के कामों के साथ इनके दरबार में पोएट भी रहते थे, राइटर भी रहते थे, हिस्टोरियन भी रहते थे। इसके साथ साथ इन्होंने महलनाग भी बहुत बड़े बड़े बनाए, किले यानी कंस्ट्रक्शन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। दे बिल्ट प्लेसेस इन जयपुर, जयपुर में भी उन्होंने बहुत महलनाग बनाए। आज जयपुर को सिटी ऑफ प्लेसेस कहा जाता है, पैलेसेस कहा जाता है, क्यों? वहां पे बहुत महलनाग है, जयपुर में बहुत बड़े बड़े महलनाग है, इसलिए जयपुर में इन्होंने महलनाग बनाए, महल बनाए। ग्वालियर में इन्होंने किला बनाया, उदयपुर में, और उदयपुर में भी इन्होंने किला बनाया। इसी तरह दिलावर टेम्पल, विमला टेम्पल एंड लुनावासाई टेम्पल वे बिल्ट ऑन माउंट अबू। माउंट अबू जो है, जो एक एक शहर है इंडिया में, एक इलाका है जो पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके में इन्होंने क्या किया, दिलावर टेम्पल बनाया और विमला टेम्पल बनाया और लुनावासी टेम्पल बनाया। तो ये लोग मंदिरें भी बनाते थे, बड़े बड़े महलात बनाते थे, पैलेसेस बनाते थे और बहुत बड़े बड़े किले भी बनाते थे, और पढ़ने लिखने के लिए स्कूल्स वगैरह भी लोग बहुत ज्यादा बनाते थे। ऑल दीस आर ब्यूटीफुल एंड नोन फॉर द आर्टिस्टिक आर्किटेक्चर। ये सारे महलात और सारे किले इतने खूबसूरत है कि उस दौर के आर्ट की अक्कासी करते हैं कि उस दौर में आर्ट को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इसी तरह द चंडेलास बिल्ट खानदारायास टेम्पल इन खजुराहो। चंडेला जब हुकूमत कर रहे थे तो खजुराहो सिटी में उन्होंने एक टेम्पल बनाई जिसका नाम खानदाराया है, और शिवा एंड विष्णु टेम्पल्स वेर मोर इन नंबर अमॉन्ग द टेम्पल्स बिल्ट ड्यूरिंग दिस रीजन। शिवा टेम्पल भी इन्होंने बनाए, विष्णु टेम्पल भी इन्होंने बनाए, और वो बहुत मशहूर मंदिर थे इनके हुकूमत के दौरान। दे ऑल्सो एनकरेज पेंटिंग, और राजपूत खानदान में पेंटिंग को भी बहुत अहमियत और इम्पोर्टेंस दी जाती थी। द पेंटिंग स्टाइल ऑफ दिस पीरियड इज क्लासिफाइड एज राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल एंड फरारी पेंटिंग स्टाइल। राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल कैन बी सीन इन मेवार, बुकानेर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बुनी। जैसलमेर में, बुनी में, जोधपुर में, बुकानेर में, मेवार, ये सारे शहर का नाम है जो राजस्थान में है। इस शहर में अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे पेंटिंग्स मिलेंगे जो आपको बहुत हैरान कर देंगे। वो पेंटिंग्स राजपूत खानदान में, राजपूत हुकूमत में बनाए गए थे। हरारी पेंटिंग स्टाइल कैन बी सीन इन खसोली, जम्मू एंड घरवाल। जम्मू में, खसोली में, घरवाल में जो ये शहर के नाम है, वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे जो पेंटिंग्स आपको मिलेंगे ये फरारी टाइप के पेंटिंग्स है। इन्होंने पेंटिंग्स को दो टाइप में डिवाइड किया था, एक राजस्थानी स्टाइल में और एक फरारी स्टाइल में। राजस्थानी स्टाइल की पेंटिंग्स आपको मिलेंगे राजस्थान के शहर में, जैसा कि जैसलमेर में, जोधपुर में, भुनी में, बुकानेर में, मेवर में, और फरारी टाइप के स्टाइल की पेंटिंग आपको कहाँ मिलेंगे, खसोली में, जम्मू में और घरवाल में। ये सारे पेंटिंग्स का वर्क राजपूत खानदान के हुकूमत के दरमियान हुआ था। लाइक दिस राजपूत हैव ए स्पेशल प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी वजह से राजपूतों की बहुत बड़ी तारीख इंडिया की हिस्ट्री में लिखी हुई है। इन्होंने बहुत से फील्ड में काम किया, पेंटिंग में, आर्ट में, बिल्डिंग्स में, और रिलीजन फील्ड में, और एजुकेशन फील्ड में, बहुत से फील्ड में इन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, बहुत ज्यादा योगदान दिया, बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ चढ़ के मेहनत की। इसी वजह से राजपूत खानदान की हिस्ट्री बहुत बड़ी और बहुत बहुत खास मानी जाती है इंडिया के तारीख और हिस्ट्री में। ये था राजपूत खानदान। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तुर्क लोग इंडिया में किस तरह दाखिल हुए।